नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंपल ये अनार के छिलके। इन्हीं अनार के छिलकों की मदद से मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में आपको आयुर्वेदिक फेस पैक बनाना बताया, जिसमें और भी कुछ चीज़ें मिलाई थी जो आमतौर पर आपके घर की वेस्ट है, जिसे आप कूड़ा करकट समझ के फेंक देते हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी आई बटन दबा के ज़रूर देखें। अब अनार के छिलकों से फेस पैक कैसे बना सकते हैं ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अनार के छिलकों से और कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो आप ले सकते हैं, एक वेस्ट मटेरियल जो आपके कई सारे रोगों को दूर करने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, सबसे पहले अनार के छिलकों का सेवन करने का फ़ायदा आपके हृदय को किस तरीके से मिलता है। अनार के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इससे आपको तीन बड़े फायदे मिलेंगे। सबसे पहले कि आपके अंदर जो LDL है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये उसे कम करने में मदद करता है। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये उसको कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं, जो कई सारे बीमारियों के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा काम करते हैं, उनको कम करने का काम करते हैं अनार के ये छिलके। और इसके अलावा अगर आप अनार के छिलकों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, उन सारे पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना, अगर हमारे शरीर में ये विषाक्त पदार्थ कम होंगे, ये टॉक्सिन्स कम होंगे, तो हमारी किडनी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सुचारू ढंग से काम कर सकती है। दोस्तों, अनार के छिलकों में एक खास बात और है कि इन छिलकों में अनार के दानों के मुकाबले ज़्यादा विटामिन सी होता है। अगर आप ये अनार के छिलकों का सेवन करते हैं तो इससे आपको कई फायदे मिलेंगे, जैसे कि विटामिन सी होने की वजह से जो आपके घाव हैं वो जल्दी भर जाते हैं, घाव की रिकवरी, जख्म की रिकवरी काफ़ी तेज होती है। इसके अलावा यदि आपके शरीर में विटामिन सी प्रॉपर इनटेक में आ रहा है, ठीक मात्रा में आ रहा है, तो जो भी कुछ आप आयरन की डाइट लेंगे तो आपके शरीर को उस आयरन को एब्जॉर्ब करने में, उसका अवशोषण करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके साथ ही साथ ये आपकी हड्डियाँ और आपके जो कनेक्टिंग टिश्यू हैं उनको भी हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। दोस्तों, अनार के छिलके में पहली फेनोलिक फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं, ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुंह में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, वो चाहे बैक्टीरिया से हो, फंगस से हो, जिसकी वजह से आपके मुंह से बदबू आती है, आप किसी से ठीक से बात नहीं कर पाते, तो आप अनार के छिलकों को थोड़ा सा पानी में उबालें और उस पानी से यदि प्रतिदिन कुल्ला करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके मुंह से आने वाली बदबू कम होना शुरू हुई है और ओवर द टाइम वो बदबू आना ही ख़त्म हो गई। इसके अलावा आपके मसूड़ों से खून आता है या दांत हिलते हैं, उस दशा में भी अनार के छिलकों का ये काढ़ा आपके लिए बहुत काम की औषधि है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार UTI की प्रॉब्लम होती है, मतलब उनको यूरिनरी ट्रैक में बार बार इन्फेक्शन होता है, जिसमें मूत्रदाह बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इस दशा में क्या होता है, मूत्र को उत्सर्जित करते समय बहुत ज़्यादा जलन होती है, जिसे मूत्रदाह कहते हैं हम आयुर्वेद में। इसकी वजह होती है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है E. coli। अब ये अनार के छिलकों की जो एक प्रॉपर्टी होती है ये है एंटी माइक्रोबियल। ये प्रॉपर्टी E. coli को ख़त्म करने का काम करती है, तो इससे एक तो आपका UTI का इन्फेक्शन जो है, जो मूत्रदाह है, वो ख़त्म हो जाता है। और एक ख़ास बात और है कि वो जो दोबारा उसके आने की टेंडेंसी होती है, जिन लोगों में बार बार UTI होता है, वो कोई ट्रीटमेंट कराते हैं वापस उनको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, तो अनार के छिलकों का सेवन करने से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, जहां हमने वीडियो के सबसे शुरू में बात की थी कि अनार के छिलकों की मदद से कैसे आप एक आयुर्वेदिक फेस पैक बना सकते हैं, अनार के छिलकों में एक एसिड पाया जाता है जिसे एलाल्गिक एसिड कहते हैं। ये एलाल्गिक एसिड एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इस अनार के छिलकों का या तो फेस पैक बनाते हैं या किसी भी तरीके से अनार के छिलकों का सेवन करते हैं, तो जो बढ़ती उम्र के साइंस होते हैं, चाहे वो हमारे चेहरे में आने वाली झुर्रियाँ हों या फिर इसमें आने वाली झाइयाँ हों या फिर अन्य कोई भी ऐसा रीज़न जो आपके चेहरे पर बढ़ती उम्र दिखाने लगता है, उन सारे ही सिम्टम्स को रोकने का, उन्हें थाम देने का काम करते हैं अनार के ये छिलके। दोस्तों, आमतौर पर अनार के छिलके हम अनार खाने के बाद कूड़ा समझ के फेंक देते हैं, और मज़े की बात यह है कि इनमें विटामिन सी अनार के दानों से ज़्यादा होता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं कि आपको अनार के छिलकों को कूड़े में फेंकने के बजाय एक औषधि के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए।
यदि आप भी अनार के छिलकों के माध्यम से किसी तरीके के कोई उपचार करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर कोई ऐसा तरीका जो हम अपनी इस वीडियो में नहीं बता पाए हों वो भी आप हाईलाइट करें ताकि इस वीडियो को देखने वाले लोगों को भी उसके बारे में जानकारी मिले। दोस्तों, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आज की इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर सीखा होगा, और यदि ऐसा है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, और जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।